हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीटी एकेडमी। तो देखिए, आज का जो लेक्चर है वो आपका 12th क्लास के लिए है। 12th क्लास हमारी जो एक्सरसाइज है 5.1 हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे 5.2 एक्सरसाइज। तो देखिए, जिस स्टूडेंट ने 5.1 नहीं की है वो मेरे डिस्क्रिप्शन जाके वहाँ पर आप कर सकते हो, वहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा उसके अंदर, ठीक है। अब देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि फाइंड द इनवर्स। हमने क्या निकालना है इसके अंदर, ये इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है ना। अब इनवर्स की जो आइडेंटिटी है, इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है इसके अंदर, एडजॉइंट डिवाइड में डिटरमिनेंट, ये आपने इसको याद करना है, ठीक है ना। कि एडजॉइंट को आप डिवाइड कर दोगे किससे, ए जो मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट से, हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। इनवर्स को हम डिनोट करते हैं ऐसे, ए इनवर्स, माइनस वन लगा देंगे ऊपर, ए इनवर्स, ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसके अंदर, ये डिटरमिनेंट निकालेंगे, ए मैट्रिक्स का निकालो डिटरमिनेंट, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ ए डी, माइनस बी की मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ बी सी। अब ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू हमारी क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, कि जीरो के इक्वल नहीं है आपकी वैल्यू ये। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो हमारी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटरमिनेंट क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए। तो एंड हैंस इनवर्स एग्जिस्ट। अब यहां पे क्या होगा, जो इनवर्स है वो आपका एग्जिस्ट करेगा। यहां पे आगे हम इनवर्स निकालेंगे। अब इनवर्स के लिए हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। अब जो एडजॉइंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, कोफैक्टर का निकाल देंगे हम ट्रांसपोज, ठीक है ना। कोफैक्टर का क्या निकाल देंगे, ट्रांसपोज निकाल देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट। अब पहले निकालेंगे कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स का ए वन वन। देखिए इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, क्या बच गया आपके पास, डी। तो हमारा जो कोफैक्टर है इसका क्या आ गया, डी आ गया। ऐसे ही ए वन टू, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना आ गया आपके पास, सी। ऐसे ही ए टू वन, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आ गया आपके पास, बी। ऐसे ही ए टू टू, सेकंड रो सेकंड कॉलम ए आ गया इसके अंदर, ठीक है। अब इवन ओड से हम साइन इसके चेंज कर देंगे। देखिए वन वन टू इवन है, सेम रहेगा, वन टू ओड है, ओड में चेंज हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे टू वन थ्री ओड है, चेंज हो जाएगा, टू टू इवन है, फोर हो गया, तो हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, ये सेम रहेगा। अब आपका जो एडजॉइंट है वो क्या आ जाएगा, देखिए इसमें इनकी जो पोजिशन है वहां पे एलिमेंट लिख देंगे, ए वन हमारा डी आ गया, माइनस का सी आ गया, माइनस का बी आ गया, ए आ गया, ठीक है। अब इसका कर देंगे ट्रांसपोज, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें एडजॉइंट आ जाएगा। जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकेंड रो है वो आपकी सेकेंड कॉलम बन जाएगी, हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। इसमें निकालना क्या है, इनवर्स। इनवर्स की आइडेंटिटी हमारी क्या है, एडजॉइंट डिवाइड में डिटरमिनेंट। अब एडजॉइंट हमारा क्या है इसके अंदर, डी माइनस बी माइनस सी ए डिवाइड में डिटरमिनेंट, तो हम क्या लिख देंगे, वन बाई डिटरमिनेंट हमारा क्या है इसके अंदर, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, ये आपका इसमें क्या आ गया, इनवर्स आ गया आपका ये, ठीक है। मतलब इनवर्स के लिए आपको जो 5.1 जो एक्सरसाइज है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसमें हम एडजॉइंट निकाल चुके और पीछे हम डिटरमिनेंट भी हम निकाल चुके, ठीक है ना। तो एडजॉइंट को डिवाइड कर देंगे डिटरमिनेंट से, हमारे पास क्या आ जाएगा, वो इनवर्स आ जाएगा। जिस स्टूडेंट को अच्छे से आती है 5.1 वो फैक्टर माइनर, वो इस इनवर्स को आप अच्छे से कर सकते हो, और जो इनवर्स है वो आपका इंपॉर्टेंट भी है इसमें, ठीक है। अब आगे देखिए, अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है सेकंड, सेकंड में क्या कह रहा है, फाइंड द इनवर्स। हमने क्या निकालना है, इनवर्स फाइंड करना है इसमें ए मैट्रिक्स का, एंड वेरीफाई दैट ए ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई टू, कि ए की मल्टीप्लाई इनवर्स के साथ या फिर इनवर्स की मल्टीप्लाई ए के साथ वो आपके किसके इक्वल होना चाहिए, आई टू। मीन्स दो ऑर्डर की जो आइडेंटिटी हमारी 1001 इसके इक्वल आना चाहिए आपके पास ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसके अंदर, निकालेंगे डिटरमिनेंट, जिसे हम चेक करेंगे कि हमारा जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट है नहीं है। थ्री की मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ माइनस का 33, बीच में साइन आएगा नेगेटिव का। सेवन की मल्टीप्लाई फाइव के साथ कितना आ गया आपके पास, 35, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास ये, माइनस का 68। ये हमारी वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो हमारी क्या है, ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड हैंस
इनवर्स इज एग्जिस्ट, कि आपका जो इनवर्स है वो इसमें एग्जिस्ट होगा। अब इनवर्स के लिए हम क्या निकालेंगे, अपना कोफैक्टर निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो इनवर्स की जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, इसके अंदर एडजॉइंट डिवाइड में डेटरमिनेंट। अब पहले हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट, एडजॉइंट के लिए हम पहले क्या निकालेंगे, इसमें कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू। अब देखिए इसमें फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, कितना आ गया आपका -11। अब सेकंड एलिमेंट के लिए ये पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में है, क्या बच गया 7, यहाँ पे 2 1, सेकंड रो छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, क्या बच गया आपके पास 5। ऐसे सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना बच गया आपके पास, ये 3 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 हमारा क्या है, ओड है, तो ये चेंज होगा और एक ये चेंज होगा आपका, ठीक है। 2 1 3 हो गया आपके पास, क्या है ये ओड है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे इसमें एडजॉइंट, एडजॉइंट होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर हमारा ये आ गया इसके अंदर। अब इसका कर देंगे एडजो ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ जाएगी, सेकंड रो है सेकंड कॉलम आ जाएगी, ये हमारे पास क्या आ गया एडजॉइंट। और आपका जो इनवर्स है वो क्या होता है, इसके अंदर एडजॉइंट डिवाइड में डेटरमिनेंट। एडजॉइंट कितना आ गया, -11, -5, -7, 3, और डिवाइड में क्या आपका ये डेटरमिनेंट कितना आ गया, -68। अब जो माइनस है उसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 1/68, 11573 माइनस का, ठीक है। जो साइन है वो आपके चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, ये आपका क्या आ गया इसके अंदर इनवर्स। ये हमें फर्स्ट पॉइंट हमने निकाल दिया, फाइंड इनवर्स, अब वेरीफाई करना है इसमें ये, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ ए, ए इनवर्स, ठीक है। अब जो ए मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या है, इसमें 3 5 7 -11, इनवर्स, इनवर्स की वैल्यू हमारी ये है 11 5 7 -3, और जो ये है 68 वो मैंने यहाँ लिख दिया हुआ, ठीक है। अब इसके कर देंगे प्रोडक्ट, देखिए फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ कितना आ जाएगा आपके पास, ये 3 11 जा 33, 5 7 जा 35, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 5 जा 15, 5 3 जा 15 माइनस का, 7 11 जा 77, -11 के 7 के साथ माइनस का 77, 7 5 जा 35, 11 3 जा 33 प्लस का हो जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई कर देंगे, देखिए 1/68 कितना आ जाएगा आपके पास, ये 68, ये भी कितना हो जाएगा, ये कैंसिल प्लस माइनस, ये भी कैंसिल, 0 0 कितना आ गया 68। अब इसको आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे 68 से, कितना आ जाएगा आपके पास, ये 1001। अब ऐसे हम क्या करेंगे, इसमें पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए है, पीछे इनवर्स है, दूसरी कंडीशन में क्या है, इनवर्स पहले है ए बाद में है, इनवर्स पहले लिख के उसके बाद उसकी प्रोडक्ट कर देंगे ए मैट्रिक्स के साथ। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया, तो अब आगे देखिए इसमें, इसमें ए इनवर्स ए, पहले क्या लिखेंगे, इसमें इनवर्स लिखेंगे 1/68, इनवर्स हमारा क्या है, ये है 11 5 7 -3, ये आपका क्या है, इसमें इनवर्स है इनटू ए, ए मैट्रिक्स हमारी गिवन है 3 5 7 -11। अब इसके कर देंगे प्रोडक्ट, देखिए 1/68 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 11 3 जा 33, 5 की मल्टीप्लाई 7 के साथ 35, उसके बाद 11 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 55, 5 की मल्टीप्लाई -11 के साथ 55, 7 की 3 के साथ 21, 7 की 3 के साथ माइनस का 21, 7 का 5 के साथ 35, 3 का 11 के साथ 33। अब इसको आगे सोल्व कर देंगे, देखिए 1/68 कितना आ गया आपके पास, ये 68, ये कैंसिल प्लस माइनस, ये भी कैंसिल प्लस माइनस, 0 0 68 हो जाएगा। अब 68 से इसको डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा 1001, ठीक है। ये भी दोनों वैल्यू हमारी क्या आ गई, इसमें इक्वल आ गया, और यहाँ पे क्या है आई टू, आई टू के बराबर हमारी वैल्यू दोनों ही है, ये भी आई टू है और ये भी हमारी क्या है आई टू है। तो आपका इसमें वेरीफाई हो गया कि जो ए ए इनवर्स है वो आपका इक्वल आ गया, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई टू, ये हमने इसमें वेरीफाई करना था, तीनों वैल्यू हमारी क्या आ गई इसमें इक्वल है आपकी, ठीक है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सेकंड के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कि थर्ड और फोर्थ दोनों क्वेश्चन आपके सेम है, थर्ड क्वेश्चन हमने क्या करना है, फाइंड द इनवर्स ओनली, आपने वहां पे इनवर्स इनवर्स निकालना है, और उसमें हमारी क्या है 3 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स गिवन आपकी, और इसके अंदर क्या है इनवर्स भी फाइंड करना है, और हमने वेरीफाई करना है कि ए इनवर्स ए आपके किसके इक्वल है, आई3, मतलब आइडेंटिटी है आपके 3 ऑर्डर की उसकी इक्वल होगी आपकी, ठीक है। ये
तो आपने थर्ड क्वेश्चन की आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, वो जो क्वेश्चन है आपको वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसमें, ठीक है। अब देखिए आगे इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका निकाल देंगे डिटरमिनेंट, ठीक है। फर्स्ट रो से निकाल देंगे, वन लिखेंगे पहले, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो एलिमेंट बचेंगे वो लिख देंगे इसके अंदर, क्या बच गया, 3111, 3111, उसके बाद क्या है माइनस टू। अब यहाँ ये कहाँ पे है, फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम पर है, क्या बच गया, 2 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 1 1, ऐसे ही प्लस 5, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या बच गया, 2 3 माइनस 1 1, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें, अब इसका निकाल देंगे डिटरमिनेंट 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 3, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, माइनस 2, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2, बीच में साइन माइनस का, ये माइनस का 1 प्लस हो जाएगा, प्लस 5, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2, बीच में माइनस आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ माइनस का 3 प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई का इसको सोल्व करेंगे, 3 में से बन गया 2, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 आ गया आपके पास, 2 1 3, 3 2 6, प्लस 3 2 5, 5 5 25। अब देखिए इसको सोल्व कर देंगे, 2 माइनस 6 माइनस का 4, प्लस 25 कितना आ गया यहाँ पे, ये 21 नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपका क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट होगा, ये हमारी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड हैंस इनवर्स इज एग्जिस्ट, कि आपका जो इनवर्स है वो भी इसमें एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम क्या निकालेंगे इसके अंदर, कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ ए, ए वन वन, देखिए ए वन वन आप कहां से ले लोगे, डायरेक्ट यहां से ले सकते हो, इसको हमने सोल्व किया, कितना आ गया आपके पास, 2, ए वन आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया, ऐसे ही ए वन टू, ए वन टू यहां से ले लेंगे, कितना आ गया आपके पास, ये माइनस का 6, ये 2 प्लस 1 कितना आ गया आपके पास, ये 3 आ गया, ऐसे ही 1 3 आपका कितना आ जाएगा, इसमें जो ब्रैकेट के अंदर है वो वैल्यू लेते हैं इसके अंदर, ठीक है, 2 3 कितना हो गया आपके पास, ये 5 हो गया, कि ये वैल्यू हमने कहाँ से निकाली थी, ए वन वन, ये वैल्यू क्या है, ए वन टू, ये वैल्यू क्या हमारी, ए वन थ्री, तो यहाँ से हम ये वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 3 वैल्यू। उसके बाद ए टू वन, अब देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बच गया, 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 कितना आ गया, माइनस का 3, ऐसे ही ए टू टू, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 प्लस का 5 हो जाएगा, 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6, ए टू थ्री। अब इसमें देखिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 प्लस 2 कितना हो गया आपके पास, ये 3, ठीक है ना, ऐसे ही ए थ्री वन निकाल देंगे। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 माइनस का 15, 2 में इसे 15 माइनस कर दोगे, माइनस का कितना आ गया, 13। उसके बाद ए थ्री टू, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 माइनस का 10 कितना आ गया, माइनस का 9। ए थ्री थ्री, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 माइनस का 4 कितना आ गया, माइनस का 1। अब जो इवन ऑड है वो चेंज कर देंगे, एक तो आपका ये चेंज हो जाएगा, एक आपका ये चेंज हो जाएगा, एक 2 3 वाला चेंज हो जाएगा, उसके बाद 3 2 ये चेंज हो जाएगा, ये हमारा क्या आ गया, इसमें कोफैक्टर आ गए। अब क्या निकाल देंगे इसमें एडजॉइंट, कोफैक्टर की जो एलिमेंट है उस पोजिशन पर हम लिख देंगे इसको, 2 माइनस 3 5, 2 माइनस 3 5, 3 6 माइनस 3, 3 6 माइनस 3, -13 9-1, -13 9-1, ये हमारा क्या आ गया इसमें एडजॉइंट। तब आएगा सर, इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, आप ट्रांसपोज कैसे करोगे, फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, 2 माइनस 3 5, सेकंड रो है सेकंड कॉलम आ जाएगी, थर्ड रो है थर्ड कॉलम आ जाएगी आपकी, तो ये तो हमारा आ गया इसमें एडजॉइंट। अब हमने निकालना क्या है इसके अंदर इनवर्स, इनवर्स क्या होगा इसमें, एडजॉइंट डिवाइड में डिटरमिनेंट, एडजॉइंट आपके पास कितना है इसमें, 2 3 -13 -3 6 9 5 -3 -1, और 1 बाई डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट कितना आपके पास यहाँ पे, 21, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया इसके अंदर इनवर्स आ गया। अब हमने निकालना क्या है, ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे ए के साथ, ही हमने वेरीफाई कर रहे हैं कि हमारी ये i3 के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो ये आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए। अब आगे देखिए यहाँ पे, अब जो वेरीफाई करना है उसके हम ले लेते हैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड,
ए इनवर्स ए मल्टीप्लाई कर देंगे। इनवर्स की वैल्यू हमारी क्या है, 2 -13 -3 6 9 5 -3 -1, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए मैट्रिक्स, और आगे क्या हमारा 1/21 भी है। ए मैट्रिक्स हमारी क्या है, 1 2 5 2 3 1 -1 1 1। अब देखिए हमारे पास क्या है, इसमें ये इनवर्स है, ये हमारा क्या है, ए मैट्रिक्स है। दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे इनकी। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2, 3 की 2 के साथ 6, -13 की -1 के साथ+ का हो जाएगा 13। देखिए तीन एलिमेंट इधर है, तीन एलिमेंट इधर है, फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, वो भाई क्या आ जाएगी इसमें, प्रोडक्ट आ जाएगा, और बीच में साइन किसका आएगा, पॉजिटिव का। अब फर्स्ट और सेकंड कॉलम, 2 2 जा 4 3 3 जा 9 -13, ऐसे ही फर्स्ट और थर्ड कॉलम, 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 10, 3 की 1 के साथ 3, -13 की 1 के साथ -13। ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तीनों के साथ कर देंगे, -3 6 के 2 के साथ+12, 9 की -1 के साथ -9। ऐसे ही अब इसके कर देंगे सेकंड के साथ, 3 2 जा 6 6 3 जा 18, 9 1 जा 9। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, 3 5 जा 15, 6 1 जा 6, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये प्लस का 9। अब थर्ड रो की कर देंगे, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, -6 +1। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 5 2 जा 10, -9 -1। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, 5 5 जा 25, 3 1 जा 3, और 1 1 जा 1। अब इसको आगे कर देंगे सिंप्लीफाई, देखिए कितना हो गया आपके पास, ये 6 और 2 8, 8 और 13 कितना हो गया, 21। यहाँ से 9 और 4 13, प्लस का ये माइनस का 13 कैंसिल, यहाँ से 10 प्लस 3 13, माइनस का 13 कैंसिल, 9 और 3 कितना हो गया आपके पास, 12 हो गया, ये भी कैंसिल। यहाँ पे देखिए 18 में से आप 6 माइनस करोगे, कितना बचेगा, 12, 12 और 9 कितना हो गया आपके पास, 21 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ से 9 और 6 15, प्लस माइनस कैंसिल 0, यहाँ से 5 प्लस 1 6, और ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल 0, 9 और 1 10, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल 0। यहाँ से देखिए 3 और 1 4, 25 में से हम 4 माइनस कर दें, कितना बचेगा, 21। अब यहाँ पे क्या है, जो 21 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इसको आप डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा डिवाइड करने के बाद आपका, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए हमारी जो ये वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, इसमें I3 की इक्वल आ गई, मीन्स राइट हैंड साइड, यही आपने इसमें वेरीफाई करना था। I3 हमारी क्या होती है कि जिसमें 3 रो और 3 ही आपके क्या हो इसमें। देखिए हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया, इन चारों क्वेश्चन की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और इनके जो क्वेश्चन है आप वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस आप वहां पे कर पाओगे, कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 3 4 पार्ट है, सेकंड में भी आपके पार्ट है, थर्ड में भी है और फोर्थ में भी है, तो आपने उनको अच्छे से कवर करना है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।